गाजीपुर के जमाने क्षेत्र में एक स्कूल में फर्जी अधिकारी बंद। घोष जमा करा रुपए असूलने गए एक युवक को कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार। मोहम्मदपुर गांव में जनकपुरी स्थित गुरुकुल इंटरनेशनल कन्वेक्ट स्कूल में एक युवक शिक्षा विभाग का अधिकारी बनकर स्कूल में रजिस्ट्रेट की जांच पड़ताल करने गया। युवक की बात पर प्रबंधक आकाश यादव को यह संदेश हुआ तो तुरंत उन्होंने शिक्षा विभाग गाजीपुर के पास उस युवक के बारे में सत्यता मालूम जानकारी प्राप्त की, जिसमें आपको पता चले शिक्षा विभाग का फर्जी अधिकारी बनकर आया था, जिस पर प्रबंधक आकाश यादव ने उसे पकड़कर पुलिस को हवाले कर दिया है। कोतवाली बिमल कुमार मिश्रा ने बताया है कि पकड़कर अभियुक्त राहुल रामपुत्र गुरराम निवासी बडोरा थाना सुहावन गाजीपुर का निवासी है, जो स्कूल में फर्जी अधिकारी बनकर आया हुआ था रजिस्टर चेक करने के लिए। प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल के लिए गाजीपुर से देवराज की खास रिपोर्ट। प्रबंधक गुरुकुल इंटरनेशनल कॉन्वेंट स्कूल जी। आकाश जी, आपके विद्यालय में एक फर्जी एबीएससी आया था, क्या है पूरा मामला? ये हमारे यहाँ स्कूल में आया, भारत सरकार का बोर्ड लगा के, उत्तर प्रदेश सरकार का बोर्ड लगा के गाड़ी लेके आए जी, और आके जो एंट्री रजिस्टर उसमें नहीं दर्ज किया अपना नाम और डायरेक्ट चले आए ऑफिस में और आके कह रहे हैं कि अपना रजिस्टर मुझे चेक करवाइए। तो मैंने कहा भाई आप कौन हैं? तो कहे कि मुझे बेसिक शिक्षा अधिकारी ने भेजा है और अपना रजिस्टर वजिस्टर चेक कराने के लिए, आपको देखने के लिए भेजा है मुझे। हम कहे भाई तो पहले बात कर लें वहाँ ऑफिस में। तो मैंने बीएसए साहब से बात किया, बीएसए साहब ने कहा कि ऐसा मेरे संज्ञान में कोई मामला नहीं है ना, मैंने किसी को भेजा है, आप उनके खिलाफ़ कार्रवाई करवाइए। उसी को लेके आप आज थाने में? हाँ, उसी को लेके मैं थाने में अभी आया हूँ एसओ साहब के यहाँ, और एसओ साहब उसमें उचित जो उसमें आया है कि थाना जवानिया में एक स्कूल है गुरुकुल इंटरनेशनल कॉन्वेंट स्कूल, तो वहाँ एक राजेश राम निवासी बड़ोरा थाना सुहल का व्यक्ति है, ये गया और कहा कि मैं स्कूल जाँच अधिकारी हूँ, बीएसए ने मुझे भेजा है। तो उसके प्रबंधक थे आकाश यादव, उन्होंने बीएसए को फ़ोन किया तो बीएसए ने कहा कि मैंने किसी को नहीं भेजा है। तो उन्होंने और छानबीन की तो पता चला कि फ्रॉड टाइप का आदमी है, तो स्थानीय पुलिस को सूचना दी। इंस्पेक्टर जमानिया गए और उससे जब पूछताछ कड़ाई से की तो वो टूट गया और कहा कि वो वसूली के लिए गया था। तो इस संबंध में आकाश यादव की तहरीर पर 419-20 का मुकदमा लिखा गया है राजेश राम के विरुद्ध और अग्रिम। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।